अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है और आगे लिखा है मीरा वाज आस्क्ड टू प्रूव दैट 3 प्लस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। और मीरा को कहा गया कि वो प्रूव करे कि 3 प्लस रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। तो मीरा ने अपना आंसर कुछ इस तरह से दिया, स्टेप में 5 स्टेप्स में उसने अपना प्रूफ दिया। तो आगे लिखा है शी मेड एन एरर इन वन स्टेप। उसने किसी एक स्टेप में एरर कर दिया, एरर मीन्स गलती कर दी। ड्यू टू विच हर सब्सिक्वेंट स्टेप्स वर इनकरेक्ट टू। और उससे क्या हुआ, उसके आगे के कुछ स्टेप्स भी गलत हो गए। सब्सिक्वेंट मीन्स आगे के स्टेप भी गलत हो गए। इन विच स्टेप डिड शी मेक दैट एरर। तो जो एरर उसने किया वो कौन से स्टेप में उसने एरर किया, ये हमें बताना है। एंड जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को हमें जस्टिफाई करना है। तो हम एक एक करके सभी स्टेप्स को कंसीडर करते हैं। स्टेप वन में उसने लिखा 3 प्लस रूट फाइव बी आर रैशनल नंबर। तो उसने बचा इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करने की कोशिश करी है इस प्रूफ को। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं और अपनी बात को गलत प्रूफ करते हैं। और उसने क्या अज्यूम किया कि 3 प्लस रूट फाइव एक रैशनल नंबर है। उसके बाद उसने सॉल्व करके ये कोशिश करी है शो करने की कि 3 प्लस रूट फाइव एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो उसे इसी तरह से उसने सॉल्व किया। इस सॉल्व करते वक्त उसने एक स्टेप में गलती कर दी, वो हम देखते हैं कौन से स्टेप में गलती करी है। तो इसमें लिखा है लेट 3 प्लस रूट फाइव बी आर रैशनल नंबर, ये सही उसने अज्यूम किया। देन 3 प्लस रूट फाइव कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू। यस, रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। तो यहां तक तो करेक्ट है। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, और जहां पर पी और क्यू को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है बच्चा जैसे 7/8, दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते ना, यानी कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, जिससे ये रिड्यूस हो जाए। तो पी और क्यू जो है को प्राइम है, और अगर पी और क्यू को प्राइम है तो पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, और रैशनल नंबर होगा और ये इंटीजर में इसका आंसर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि काटेगा नहीं तो इंटीजर में आंसर नहीं आएगा। और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ठीक है, ये रैशनल नंबर की डिफाइन में होता ही हमने पढ़ा है। अब स्टेप टू में उसने क्या किया, रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3 कर दिया। जो प्लस 3 था उसको पी अपॉन क्यू के साथ शिफ्ट कर दिया माइनस 3। तो ये स्टेप भी सही ठीक है, फर्स्ट टू स्टेप बिल्कुल ठीक है बच्चा उसके। स्टेप थ्री में उसने लिखा सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यहां तक उसने ठीक लिखा कि पी एंड क्यू इंटीजर्स है, लेकिन आगे उसने यहां पर एक गलती कर दी। क्या लिख दिया, पी अपॉन क्यू माइनस 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। नो, पी अपॉन क्यू माइनस 3 इंटीजर नहीं है बच्चा। क्यों नहीं है इंटीजर, क्योंकि जो पी एंड क्यू को प्राइम थे, को प्राइम अभी मैंने बताया क्या होते हैं, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, तो 7/8 जैसे, तो इसको हम लोएस्ट टर्म में नहीं कर सकते, तो ये इंटीजर नहीं बन सकता। तो पी अपॉन क्यू तो इंटीजर हो नहीं सकता। तो और अगर किसी हम रैशनल नंबर में से इंटीजर को माइनस करें तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। जैसे हम 7/8 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा, ना कि इंटीजर मिलेगा। तो यहां पर उसको लिखना चाहिए था सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर, सो पी अपॉन क्यू माइनस 3 इज अ रैशनल नंबर, ये लिखना चाहिए था। तो हम लिखेंगे शी मेड एन एरर इन स्टेप 3 सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सो पी अपॉन क्यू माइनस 3 शुड बी अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। बच्चा मीरा ने स्टेप 3 में गलती करी, उसने पी एंड क्यू इंटीजर तो सही बोला लेकिन पी अपॉन क्यू माइनस 3 को भी इंटीजर मान लिया, जबकि वो क्या था, रैशनल नंबर था। तो इस वजह से बच्चा स्टेप 3 में गलती हुई। तो स्टेप 4 में भी उसने आगे भी गलत लिख दिया कि सिंस पी एंड क्यू माइनस 3 इज एन इंटीजर, पी अपॉन क्यू माइनस 3 को यहां पर भी इंटीजर लिख दिया, इससे उसका स्टेप 4 भी गलत हो गया। लेकिन उसने मेन जो मिस्टेक करी बच्चा वो स्टेप 3 में थी। तुम्हारा आंसर आएगा शी मेड अ मिस्टेक इन स्टेप 3।